इन 1948 मेरे पिताजी ने हुजरी लाइन का बिजनेस चालू किया। बहुत ही छोटे स्केल से चालू किया। उन्होंने बड़ा भैया से सदासु कटे से काम शुरू किया। कोई मैन पावर नहीं था, उन्होंने सारा काम अपने हाथ से किया। स्टार्टिंग इवन पैकिंग तक को खुद करते थे। धीरे धीरे उन्होंने ब्रांड को पॉपुलर किया, वैरायटीज बढ़ाई, अनेक रकम का सिल्क यार्न, कॉटन यार्न, इवन नायलॉन यार्न उस समय यूज किए उन्होंने। उसके बाद कुछ समय के लिए उन्होंने हुजरी लाइन में स्लंप आने के कारण लोअर लाइन में भी गए। इवन वायर नेल वायर ड्राइंग का फैक्ट्री भी लगाए। तत्पश्चात हमने आके इस काम को और बढ़ाया, होजरी लाइन को ही बढ़ाया। 1964 से हमने इसको ज्वाइन किया। हिलमैन ब्रांड चालू करवाया उन्होंने। हिलमैन ब्रांड चालू करने के बाद हम लोगों ने यूपी, राजस्थान, बिहार, एमपी में माल को फैलाया और माल खूब पॉपुलर हुआ। कॉलेज के बाद जब हम ज्वाइन किए उस इस समय ऑलरेडी हिलमैन ब्रांड ऑलरेडी स्टेब्लिश थी, मगर हमारे पिताजी ने हमको खाली एक पहले रेजिंग मशीन का प्रोडक्ट स्टार्ट करवाया, इंपोर्टेड मशीन, नीटिंग मशीन सब लगा करके। उसके बाद स्ट्रगल करते करते हम लोगों ने विंटर में बहुत रकम के प्रोडक्ट बनाए, विंटर के माल एक्सपोर्ट्स भी बहुत किए, फ्रांस भी एक्सपोर्ट हुआ। और उसके बाद अब हम लोगों ने कैजुअल वियर में भी बहुत प्रोडक्ट विंटर के बनाए हैं। लॉजिस्टिक पार्क में भी स्टिचिंग यूनिट भी हमारे 2 साल से चल रहे हैं, उसमें भी बहुत प्रोडक्ट बन रहे हैं। अपने विंटर गारमेंट्स के भी प्रोडक्ट बन रहे हैं, फैंसी आइटम्स भी बन रहे हैं, कैजुअल वियर भी बन रहे हैं, और आगे भी फ्यूचर में अपनी सब यूनिट इन हाउस करने का इरादा है। उसका तत्पश्चात हम लोगों ने रेगुलर आइटम में भी पूरा ध्यान दिया, उसमें बहुत क्वालिटियाँ मेंटेन की, नई नई रेंज बनाई। 2005 से हम लोगों ने कैजुअल आइटम चालू किया, उस समय केवल लॉन्जर्स, बरमूडा इत्यादि चालू की। 2008 से हमने बच्चों के गार्मेंट्स चालू किए, आउटर गार्मेंट्स, वो बहुत पॉपुलर हुए, आज भी पैंथर ब्रांड के नाम से जाने जाते हैं, सब पसंद कर रहे हैं। फिर 2012-13 में हम लोगों ने एक्सपोर्ट के लिए प्लानिंग की, लेकिन वो प्लानिंग में कुछ देरी हुई। 2016-17 से चालू किया हमने एक्सपोर्ट। उस समय ऐसा लगा कि जहां हम हैं नोटुल बाजार में, बिडली स्ट्रीट में, वहां की ऑफिस में असुविधा हो रही है, इस कारण से हमने कॉर्पोरेट ऑफिस बनाने की प्लानिंग की। वो आज आपके सामने आया कि इतनी बड़ी कॉर्पोरेट ऑफिस हम बनाने में सक्सेस हुए। आशा है हमारे व्यापारीगण, हमारे सप्लायर्स इस ऑफिस में आके बहुत संतुष्ट होंगे। और हमारी जो दोनों लड़कियां हैं, इन्हीं के बदौलत ही ये कॉर्पोरेट पार्क वाला जो ऑफिस है ये हम लोगों ने पूरा बनाया है। इसमें पूरा योगदान उन्हीं का है, उनके ही सोच है। Hillman is not just a brand but a legacy. In this new workplace, we have centralized all our factories and other branches with positive energy and the motive to fulfill my father's and grandfather's dream and to grow bigger and better as an organization. We are currently planning to bring Hillman as an umbrella brand for all the existing products which we are manufacturing currently and launching new products. Digitalization is the new trend. Getting Hillman into social media is a next future step which we are planning. New designing and new product is the main area of focus and we strive to bring the best out of the company. One family, one goal, to make Hillman reach new heights.